पुण्य कथा को सुनो थे। एक दिन है जी देवकी माता कृष्ण भगवान ने बोली, एक बोली एक कन्हैया मिलुगा के व्रत करियाँ सुख पावे, इसे व्रत बता कोई स्त्री खातर। जद यहाँ के कृष्ण भगवान यहाँ के माँ तन मैं कथा सुनाऊँ, सुन पुण्यों का व्रत करे 32 लुगाई, जद कह भी मन चाहे फल पावे। तो बोले ठीक है सुना बेटा। कृष्ण भगवान कथा सुनावे और देवकी मैया कथा सुने। जद आपको बोलियो कि एक नगरी में राजा हो बहुत ही धर्मात्मा, वो अन्न को दान कर तो किन्ने भूखो तिशियो कौन रहन दें, तो किन्ने दुखी कौन रहन दें। तो एक ब्राह्मण हो धनेश्वर, वो बहुत ही आनंद रहन तो दान राजा दे दें तो और राम को नाम ले लें तो और आपको काम चलाए रखियो। तो एक दिन कोई साधु संतान तो भिक्षा लेने सारा काम ले जान तो भी ब्राह्मण के घरों भिक्षा कौन लेवे। तो ब्राह्मण दुखी हो गया, कई दिन हो गया देखता। एक दिन बोली ब्राह्मण देवता मेरे घरों तू भिक्षा क्यों कौन ले जाए, जद यहाँ क्यों तेरा संतान को नहीं, संतान की प्राप्ति को नहीं, मैं नहीं पुत्र है वो खाऊँ कौन दाणो। तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया, पगाम पड़ गयो, भी चरणाम गिर गयो। बोले मना उपाय बता। जद बनिया क्यों तू तपस्या करके वन में जागे और फिर कह तन्ने संतान की प्राप्ति होगी। तो गरीब ब्राह्मण ने सारी बात बताई, बोलियो कि मैं तपस्या करूं वन में जाऊं। तो वन में जाके तपस्या करी नहीं जब बैठे माँ चंडी प्रगट हुई, प्रगट हुई बोले मांग ब्राह्मण है, बोले माँ मेरा संतान कौन, संतान बिना मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा घर को कोई भोजन ही कौन करे। जब बोलियो संतान तो दूंगी 16 साल की उम्र होगी भी और 32 पूर्णमांग व्रत करे तेरे घराले ने कह दे। बोले ठीक है माँ घरे आ गए, बन सारी बात बताई। तो 9 महीने भी बेटो हो गयो, बेटो हो गयो जिया जिया बेटो जवान हुआ, ब्राह्मण ब्राह्मणी की चिंता होने लगी भी 16 साल की उम्र आएगी। तो ब्राह्मण आपको भाई ने बुला गया, बोले इन्हें काशी जी ले जा, पटा के लिया भाई ने कहो। तो 16 साल की उम्र का माई भाई है जो ले गए भाई ने बेचारा ने ठा को नहीं हो। तो एक नगरी में रात ने रहा धर्मशाला का माँ, तो बैठा कोई राजा को लड़को ब्याही जनावे, ब्याही जनावे जद वो एक आँखों काणो एक आँख काणो, राजा जाने हो कभी ब्याह कर लियूँ कोई लड़को ढूंढाई पर को कोई मिला तो एन बिंगिर बिंगी एक ही सूरत। तो भी मामा कन गए उन्होंने रात रात के दिए लड़को दे दियो तो मैं ब्याह कर दियूँ जरा। वो बोले कोई बात को नहीं ब्याह लियो। तो बन लड़को भाणजो दे दियो और बन ब्याह कर लियो लड़की सागे। लड़की ने वो यहाँ बोलियो राजकुमार, बोलियो भाई तेरा सागे ब्याह तो मेरो यार तू जाएगी कि और के सागे। तो बोली क्या ना इसी तो कभी हो ही कौन सके। तो बोले मैं जाऊँ काशी जी, मेरी तो उम्र छोटी है 16 साल की। बोले कोई बात को नहीं, 16 दुनिया छोड़ के भलाई उड़ जाए, पति तने मैं मान चुकी। तो वो बोलियो कि बाग माँ एक पेड़ लगा गयो और यो रह गो, जब तो मैं जीव तो आऊँगा नहीं इसको नहीं आऊँ इंगी तू मेरी देखभाल करी। तो बोले ठीक है। दिन गई जब वो राजा बोलियो भीर करो लड़की, तो लड़की नटकी बोली मेरा ब्याहनी हो तो काशी जी गई हो यार, मैं तो वो पति इस तरीके तो एक ही है, तो मेरो पति तो वो ही है, चाहे दुनिया छाड़ के उठ जाए बन मेरो पति वो ही है। तो राजा है जो कोई बेचारा शर्मिंदा हो गया, उठ गयो जब वो 16 साल को हो नहीं, जद साँप आयो जब वो इतो बिंगा जेर, तो क्यों कभी महापुरवासी का व्रत करे तो करना को नहीं आ सके, दूर ही पेड़ियाँ पर ही बन जेर गिरियो तो वो बेहोश हो गयो। तो मामा रोड़ो मचाए बोले लड़का है क्यों हो गयो। जठे शंकर भगवान पार्वती दोनों जान ला रहे, चंडी माता बोली पार्वती माता बोली तो पुत्र मेरो देड़ो है 16 साल की उम्र देड़ी, अब भगवान थे दियो उम्र। तो शंकर भगवान बोलिया उम्र इसे से भगता नहीं, महापुरवासी करण लाग रही है 32 भी अंत उम्र मैं दूंगा। तो बिन उम्र सरजीवन कर दियो और लंबी उम्र दे दी। तो मामा भाणजो आ गया गाजा बाजा हूँ ढोल ढमाका हूँ सुनी खुशी मनाई भी जी गयो मेरे भाणजो। तो भी गामा आ गया राजा है जो डिक्का इंतजार करे भी मेरे जुआई कदी आओ के। तो राजा देख के बहुत ही सारा काम में बधाई बंटाई बोले मेरे जुआई आ गयो मेरे जुआई आ गयो। तो वो है जो बिना ले गए घरे आ गयो नहीं जो सारे काम में बधाई बांटी भंडारो करियो। राजा कहो कभी 32 प्रणमा व्रत करें तो लुगाई इच्छा का फल है यहाँ पावे, तो निपुत्र को नाम शंकर भगवान है जो खो दियो और संतान की प्राप्ति दे दी, वंश बधायो। तो लक्ष्मी माता प्रगट होगी, विष्णु भगवान प्रगट हो गया, सारा दही देवता प्रगट हो गया। जब बोले इसे भगतान करूँ, लक्ष्मी बोली मैं कदी कौन जाऊँ, मैं तो ठेठ निवास करूँगी। विष्णु भगवान बोले तेरे सागे मैं भी करूँगा। शंकर भगवान पार्वती माता बोली भी मेरो वरदान दे रहा तेरे पुत्र के घरे मैं भी वरदान करूँगा। तो इतो फल मिले 32 पूर्णिमा करे तो माँ हूँ पुण्यों जाल लिया फिर 32 कर लिया। जे कोई मासिक धर्म हो जाए तो व्रत जरूर करना चाहिए, तोड़ो ना बिचाड़े बा गिणो ना आ गए गिण लिया वो व्रत है गिणी जाए कौन, व्रत जरूर हो पूजा कौन हुए और अन्न कौन खाई जाए। तो वो है पुण्यों की कथा किसी की लागी थी बताइयो, और कोई कमी है तो ज़रूर लिख दियो, और मेरी जान में तो कमी छोड़ी कौन। जय श्री कृष्णा और राधे राधे।